नमस्कार, विराट की बघेली बुलेटिन में स्वागत है। अपना पंजन के प्रियंका के साथ बघेली बुलेटिन के पहल खबर रीवा से है, जहां नवनियुक्त पुलिस आरक्षकन के 91वां दीक्षांत समारोह सोमवार का पुलिस प्रशिक्षण शाला में आयोजित किएगा, जेकर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कटारिया रहे। ए दौरान आरक्षक परेड प्रदर्शन करें और मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कई के परेड के सलामी लेके आरक्षकन से परिचय लें। ये कार्यक्रम में नवनियुक्तन के परिजनों शामिल हुए। पत्रकारों से चर्चा में मुख्य अतिथि कहें कि बहुत दिन बाद रीवा आए हैं और उनका बड़ा नीक लागत है। अपनों देखी कार्यक्रम के झलकी और सुनी मुख्य अतिथि का कुछ कहें। प्लाटून नंबर 7 की अगुवाई कर रहे हैं शुभेंद्र सिंह पुष्पा 479। वर्तमान मांग के अनुसार आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी परेड और एसपी साहब ने जो अल्प समय में भी जो इतनी शानदार परेड आज दिखाई है वह बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं रीवा का प्रोबेशनर हूँ। बुलेटिन के दूसरे खबर की बात करी थी, जहाँ पूरे प्रदेश में गौशाला के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है। वही सफेद पोशन से लय के अधिकारी कर्मचारी अपन तिजोरी भर रहे हमा, एक हद पता नहीं कितने उदाहरण रोज देखे का मिला थमा। ऐसा नहीं, एक ठे मामला सिरमौर तहसील के मुड़ियारी गांव से है, जहां पाठक परिवार पशुअन का बगीचा में बांध के प्रताड़ित करके उनका मार डाला थमा। ये मामला के शिकायत समाज सेवी सनी समदड़िया पुलिस का दिन, जेके बाद उनका नींद खुली और जल्दी मां मौका मुआयना करे पहुंचे, जहां पाठक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर ली नहीं। अब देखिए आगे कुछ कार्यवाही होती कि यह सब बस दिखावा है। हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन से हैं जी, सिमरिया विधानसभा किसना पुलिया के पास हम लोग सभी लोग संगठन वासी। बुलेटिन के तीसरी खबर रीवा से है, जहां त्योथर से एक ठहरान करे वाला मामला सामने आवा है, जहां मृतक का वैक्सीन के दूसरे डोज लगाए देगा। जो ने वही बतावागा कि शहर के सिंधु भवन में सरोज वाजपेयी द्वारा दूसरा डोज लगावागा है। मृतक के पति बताएं कि उनकर पत्नी श्याम कली गुप्ता कोविड-19 के दौरान संजय गांधी अस्पताल में 30 अप्रैल का खत्म हो गई। ऐसे अपना अंदाजा लगा ले कि कौन में लापरवाही हो रही है, जो उन्हें प्रशासन के ध्यान नहीं जात लाग। गड़बड़ी ये हुई कि मेरी पत्नी को कोरोना हो गया था, 23 अप्रैल को हमने संजय गांधी रीवा में भर्ती कराए और 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई और दूसरी डोज उन्होंने मृत्यु के उपरांत 21/9/2021 को उन्होंने दूसरी डोज लगा दी। बुलेटिन की अगली खबर है, जहां कड़कड़ा ठंडी माँ सबसे ज्यादा मुसीबत ओ सयानन कहवे, जी भीख माँ के अपन गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोग खातिर मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी अपने टीम के साथ पहुंच के साईं मंदिर कोठी स्थित शंकर मंदिर के साथ अन्य स्थानन में निराश्रितन का कंबल वितरित करें। ये हम लोगों ने आज विगत कई वर्षों से अपने रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से गरीबों को कंबल वितरण करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अगली खबर चुराहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिजवार नहर से है, जहां एक थे किशोर अपने दोस्तन के साथ बकरी चरावे गा रहा, लौटत के पैर धोवे नहर में उतरा तो पैर फिसले से गहरे पानी में चला गया। साथ वाले लड़का गुहार लगाई तो परिजन पुलिस का सूचना दीन और आनंद फानंद में पुलिस पहुंच के रेस्क्यू टीम का बुलाए के नहर के पानी बंद कराई और किशोर के तलाश कर लागे, जहां रात तक किशोर के पता नहीं चल पावा रहा। जहां जानकारी मिलते है NDRF प्रभारी कमांडेंट अजय सिंह मौका में पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में दिशा निर्देश दीन और किशोर के तलाश जारी है। चार लड़के थे, हाँ। वही जा रहा था, कहा हाथ गोड़ तोड़ने जाने मारे थे के चलो इधर, तो वो चल दिया और जब गए हाथ गोड़ फिर से दोनों लोग चुकुर लगा लिया हंसने लगे, तो इतने में गिर गया। फिर आप लोग क्या किए, किसको बताए? जब देख के तुम कराने लगे कि बचा लो बचा लो मेरे भाई, चार लड़के लगा। वही बुलेटिन की अगली खबर ही, जहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायती राज चुनाव में OBC आरक्षण का समाप्त कर देगा, एक जानकारी मिलते है संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिन। सोमवार का OBC महासभा के पदाधिकारी रैली निकाल के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर का एक ज्ञापन सौंपे ही। आंदोलनकारी यह कहें कि अगर 7 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं भय तो सगले मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन हुई, जो उन्हें जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद हुई। अपना सुनी पदाधिकारी का कुछ कहा था। जैसा की अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जो OBC का आरक्षण था उसको त्रिस्तरीय पंचायत में ख़त्म कर दिया गया है।
ये देश के लिए। और हमने इसकी विधिवत कार्य योजना तैयार की है और हमने सरकार से मांग रखी है कि अगर हमारे ज्ञापन के बाद 24 घंटे के अंदर अगर सरकार इस पर निराकरण नहीं करती है तो भी सी महासभा ने नव वर्ष की शुरुआत में दिनांक 2 जनवरी को मुख्यमंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया है। अगली खबर रीवा से है, जहां TRS कॉलेज में राष्ट्रीय NSUI द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा बचाओ देश बचाओ हस्ताक्षर अभियान मध्य प्रदेश NSUI के अध्यक्ष के आह्वान पर कीनगा जोने मां नई शिक्षा नीति सरकारी उपक्रमण के निजीकरण बढ़त महंगाई आदि के खिलाफ आवाज उठाई गए। जोने मां TRS कॉलेज के अध्यक्ष पंकज के साथ वहां के छात्रन के सहयोग मिला। अपनो सुनी संबंधित लोगन के का कहा है। राष्ट्रीय NSUI चलवा रही है हमारी, हम लोग मध्य प्रदेश NSUI अध्यक्ष संजीव त्रिपाठी जी के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ TRS कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सभी लोग यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों ने सहयोग दिया है। अगली खबर के बात करी थे, जहां पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में होए वाले हनुमना मऊगंज नई गढ़ी जिला पंचायत के चुनाव में नामांकन दाखिल करे वाले में सोमवार का भारी उत्साह देखने का मिला। यही बीच वार्ड क्रमांक 28 से महिला उम्मीदवार पूजा सिंह नामांकन दाखिल करें। अपने बड़े बुजुर्गन के साथ पहुंची पूजा सिंह बताएं कि उनकर परिवार वाले पहले से क्षेत्र के सेवा में तत्पर रहे और वो क्षेत्र में आगे आए के लोगन के सेवा करी और लोगन के समस्यान के समाधान करे के कोशिश करी। अपनो सुनी नामांकन दाखिल करे वाले प्रत्याशी का कुछ कहें। मैंने वार्ड 28 के लिए फॉर्म भरा है, आज नामांकन भरा है और मेरे दादाजी जो हैं पिछले 50 वर्षों से जनपद पंचायत में सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने अपने देवतलाव क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। तो मैं उन्हीं के उन्हें का आशीर्वाद लेकर और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि उन्होंने इतने साल तक वो किया है। तो एक बार जनता चाहती है कि एक बार हम सामने रहें, तो बिल्कुल हम इसी को लक्ष्य को लेकर और हमारा लक्ष्य जो रहेगा वो सेवा भावना है, जनता की सेवा करना। आपको क्या लगता है कि जनता के मुद्दे पर आप खरा उतरेंगे कि नहीं? जो उनकी समस्याएं सबसे पहले तो हमारा सुनना उनका हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जनता की जो भी समस्याएं हैं हम उनको उठाएंगे और उनकी जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी विकास का कार्य होगा वो हम भरपूर करेंगे। अभी आपका क्या उद्देश्य है, क्या वहाँ कमी आ रही है जिसके आपको? जो ग्रामीण क्षेत्र है तो बेसिक चीज़ें भी वहाँ नहीं है, जैसे हमारे गाँव तक हम खुद जहाँ से प्रत्याशी हैं वहाँ के हमारा गाँव ग्राम पंचायत चेहरा में नल जल योजना नहीं आ पाई है, नहरें नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा से जुड़ी और स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनमें काम करना है और मैं बिल्कुल करूँगी इस चीज़ को और मुझे उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी मुझे। अगली खबर की बात करी थी जौन रीवा से ही, जहाँ AG कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा जौने के नाम भावना सोलंकी रहा और वह खरगोन जिला के रह वाली आए, आज फांसी लगा के अपन जान गंवा ली है। अपना को बताई कि भावना एग्रीकल्चर BSc सेकंड ईयर की छात्रा रही जौन हॉस्टल के रूम नंबर 19 में अपने रूम पार्टनर के साथ रहत रही जौन आत्महत्या के समय क्लास में रही। अपना को बताई कि यह छात्रावास सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सरोजनी नायडू कन्या छात्रावास के नाम से संचालित है। छात्रावास प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई थी शिकायत किया लड़के तो टीम और महिला जांच की जा रही है। वही बुलेटिन की अगली खबर ही मनगवा विधानसभा क्षेत्र से, जहां गढ़ बाजार स्थित कृषि केंद्र में गंदगी के अंबार लगा है। कार्यालय परिसर अघोषित शौचालय बन के रह गया है, जहां कार्यालय के आसपास गंदगी में सुअर लौट रहे हैं और बाजार में आवे वाले लोग यहीं पेशाब कर रहा था। विभाग की उदासीनता और स्थानीय कर्मचारियों की लापरवाही से कृषि केंद्र के आसपास गंदगी के अंबार लगा है। वही पुराने जर्जर भवन खंडहर के रूप धारण कर चुके हैं, जहां आवारा पशु शरण ले था। जर्जर भवन कबू धराशायी हो सका था। एक कार्यालय के आसपास पूरी तरह से नरक के जैसे माहौल बना हुआ है और संबंधित अधिकारी बेखबर बने हम। बिंद के तमाम खबर अब देखी बघेली में।